चाबी कहाँ गई? किधर गिर गई? चाबी किधर चली गई? कहीं गिर तो नहीं गई? शायद
ग्लास पहले वहां था, अब यहां पर पता नहीं है। ए ए कौन है वहां? ग्लास खाली हो गया। मेरा सिगार किधर चला गया? मेरा
क्यों भाई, आप कब आए? कल सुबह ही आया। इतने दिनों से गांव क्यों नहीं आए? वो बहुत काम था इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा एक बात बताओ, इस गांव में बहुत चोरियां होती हैं क्या? यहाँ चाय पीने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, इस गांव में चोरी कौन करेगा? तो यहाँ पर भूत पिशाच जैसा कुछ है क्या? क्या भाई, मजाक के मूड में हो क्या? चलो कोई नहीं, ठीक है भाई, बाय। फीमेल एस्कॉर्ट। नंबर 8212 4। Can you hear me? Yes, sir. बताइए क्या कर सकता हूँ? I am 32 years old. Your need, sir? Huh? Means hour basis or full day, sir? Of course, for full day. Full day का 25,000 charge है, sir. Oh, okay. No problem. Okay, sir. Pickup point, address. गाड़ी का number message कर दीजिए, sir. आपको कब चाहिए सर? आपको चाहिए कब? टुमारो मॉर्निंग। ओके सर, एग्जैक्ट टाइम बताइए सर। 9:30। ओके सर, कन्फर्म्ड। थैंक यू सर। मुझे लगता है यही होगा, लेकिन कार नंबर तो अलग है। हाय। हाय। आपको कहीं ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? आप? आई एम जॉन। ये मेरा कार नंबर अलग है यही सोच रही हो ना? दरअसल मेरी कार सर्विस में है इसलिए दूसरी गाड़ी। ठीक है। आम सपना, मगर एज क्या है ये नहीं बताऊंगी। मेबी अराउंड 25। वाओ, आपको कैसे पता चला? एक्सपीरियंस है क्या? अच्छा, यहाँ से पांडिचेरी कितना दूर है? वो जाने के रूट और चलाने वाले पर डिपेंड करता है। वाओ, कितना बड़ा घर है, बहुत खूबसूरत है। पसंद आया तुम्हें? मुझे तो बहुत पसंद आया। जल्दी चलो, क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हो? लगता है तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो। ए,
तो क्या करने वाली हूँ? नाइस। कहाँ जा रही हो? स्विमिंग पूल में वेट कर रही हूँ, आ जाओ। ठंड लग रही है, टाइम भी हो गया जाने का। जाने की जल्दी है क्या? चल चल। जॉन। हाँ? जॉन, ये ऐसा क्यों बैठा है? जॉन। हाँ? जॉन। हाँ? मेरा टाइम हो गया है, मुझे निकलना होगा। तुम्हारा टाइम हो गया है ना? अभी तुम्हें भेजता हूँ, 2 मिनट्स। मेरे लिए थोड़ा वेट कर लो प्लीज, एंड डोंट वरी। प्लीज मुझे जल्दी निकलना है। 2 मिनट में हम निकल जाएंगे। ओके, जाओ ऊपर जाओ। जाना चाहती थी ना, जा। Thank you.
इडियट। हेलो हेलो, एक लड़की को नहाते हुए देख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुमसे कह रही हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ ना रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी प्रॉपर्टी है इसलिए कुछ भी करोगे? मैं कौन हूँ पता? मेरे डैड कौन है पता? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हे, ज्यादा बकवास मत कर वरना जान से मार दूंगा, चल निकल यहाँ से। कैसे कैसे लोग रहते हैं। अच्छा सुनो, यहाँ एक पुराने डॉक्टर थे, वो अभी भी हैं क्या? जो पुराने डॉक्टर थे वो सब चले गए भाई, अब यहाँ पर एक नई डॉक्टर रहने आई है। और उसका घर कहाँ है? वहाँ देखिए, वो चौथा घर है। ओ, वो सफेद रंग वाला? हाँ भाई भाई। ठीक है, मिलता हूँ। ठीक है भाई। भाई पराठे का क्या हुआ? क्या है, मेरी प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो? सुना यहाँ पर एक डॉक्टर है, मैं उसी से मिलने आया हूँ। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, जो थी वो मर गई। वो मर गई? हाँ मर गई। लेकिन किसी ने कहा वो यहीं आसपास रहती है? नहीं बोल रही हूँ ना मैं, वो कब की मर चुकी है। चल जा। अभी तक मेरी प्रॉपर्टी में तुम क्या कर रहे हो? गेट आउट। इधर आने को तो बोली थी, बुलाकर वो खुद नहीं आई। हेलो, कहाँ पर हो? मंदिर के पीछे पत्थरों के पास वेट कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी आओ ना प्लीज। हाँ ठीक है। हाय। हाँ आ रहा हूँ। तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? ऐसे ही, ताकि आप इजीली ढूंढ सकें। हाय। हाय। कम ऑन नीचे आओ, हम थोड़ा वॉक करते हैं। हाँ ठीक है। और आप बताइए। ये जगह बहुत खूबसूरत है। या रियली नाइस। व्हाट्सएप पर तो बहुत खुलकर बात कर रही थी, और अभी तुम नर्वस हो? पहली बार मिल रही हो ना, इसीलिए थोड़ी सी घबराई हुई हूँ। लेकिन घबराना क्यों, मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। बैठो, आज पूरा दिन तुम मेरे साथ रहने वाली हो, ये सोचकर ही मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे जल्दी ड्रॉप करना होगा, ठीक है ना? तुम जितना जल्दी कहोगी मैं उतना जल्दी ड्रॉप कर दूंगा। चलो चलो। हाँ, चलो। फ्रूट खाओगी? हाँ। शूटिंग करोगी? क्यों, बंदूक से डर लगता है क्या? नहीं नहीं। तो चले।
मुझे थोड़ा जल्दी ड्रॉप कर देना प्लीज। जरूर कर दूंगा। थोड़ा स्लो चलाओ ना। वो तुम जल्दी जाना चाहती हो ना, इसलिए। इसलिए इतना तेज? वाओ, नाइस डॉल। डोंट टच। व्हाई? इस गुड़िया को कोई भी हाथ लगाए ये मुझे पसंद है। क्यों पसंद नहीं है? मुझे ये बहुत पसंद है इसलिए मैंने लिया। इसे कोई छूता है तो मुझे पसंद नहीं आता। ओह, नाइस स्विमिंग पूल। इसमें स्विमिंग कर सकते हैं क्या? चाबी नहीं है क्या? ये सेंसर लॉक है। यहाँ कितनी शांति है ना। यहाँ और कोई नहीं रहता क्या? क्यों, तुम हो, मैं भी हूँ, और कौन चाहिए? हाँ, हम दोनों हैं, वो सब तो ठीक है, पर और भी कोई रहता होगा ना। वैसे हम दोनों के सिवा यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, पर जब हम यहाँ आए तब कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन तुम आज के बाद देखोगे, बहुत जल्द तुम्हें वो लोग दिखाई देंगे। ये आवाज कैसी है? किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। ए, ए, किधर जा रही हो तुम? क्या हुआ आपको? क्या हुआ भैया? ए, तो बोल रहा हूँ ना। अरे रे, आपके पैरों से तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। संभल कर काम करना चाहिए था ना, ऐसे अपने ही पैर पर कोई मारता है। फर्स्ट एड बॉक्स ला सकते हो प्लीज? क्या है ये? छे, सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। आप घबराइए मत, मैं कर रही हूँ ना, ब्लड साफ कर देती हूँ, दवा लगा कर बैंडेज लगा देती हूँ, ठीक है? आप डरिए मत। एक मारूंगा, चल निकल यहाँ से, चल वापस मत आना। क्या हुआ? कुछ नहीं, जब से यहाँ आई हूँ बहुत डर लग रहा है। तुम ड्रिंक लोगी क्या? ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। नहीं नहीं नहीं, मुझे इन सब की आदत नहीं है। ओ, लेकिन मुझे तो है, तो मैं स्विमिंग करने के बाद थोड़ी ड्रिंक जरूर लूंगा। ओके? सुनो, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं भी आती हूँ। Nice. Come here. नहीं, मुझे स्विमिंग नहीं आती, तुम ही आ जाओ। Come on, डरना नहीं है, आ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ, नाराज हो गए क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। काफी जल्दी जाना चाहती हूँ। ओके, चलते हैं। तुम पहले जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है, जाती हूँ।
जॉन जल्दी आ जाना। हाँ आ जाऊंगा। बालकनी में अकेली क्या कर रही थी? ऐसे ही चैट कर रही थी। ओ। मेरे आने के बाद भी तुम लैपटॉप पर ही लगे पड़े हो। कुछ नहीं, एक छोटा सा काम आ गया है मुझे, वो पूरा करना है, बस मेल कर लेता हूँ। ओ, बहुत जरूरी काम है क्या? बहुत जरूरी। ओके, तुम आई हो इसलिए काम मैं बाद में कर लूंगा, पहले तुम्हें प्रायोरिटी दूंगा। एप्पल? ये क्या, ऐसे ही खा लूं क्या? ओके, वेट, ये अभी क्यों कॉल कर रही है? क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कभी लैपटॉप देखते हो, कभी मोबाइल देखते हो? नहीं, एक छोटा सा डिस्टरबेंस। ओह, पहले हम रोमांस करेंगे। अब नहीं जॉन, अभी नहीं। क्यों? प्लीज लीव अभी। क्या हुआ तुम्हें? ए ए, कहाँ जा रही हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, नहीं प्लीज। हे, रुक जाओ। हे, धक्का मार के जा रही हो तुम। सॉरी सॉरी। तुम धक्का मार के जाओगी मुझे, और मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगी, कहीं भी नहीं जा पाओगी। समझ रही हो? सच में? चाहो तो आजमा लो, कुछ देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। hey, तुम्हारा एफबी पासवर्ड क्या है? और तुम्हें ये सब क्यों चाहिए? मुझ जैसा कितने लोगों को जानती हो? बोल, जवाब दे। छोड़ो मुझे, मुझे पहले से ही पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। छोड़ो मुझे। hey, मैंने पूछा, उसका जवाब दे। मुझे पहले से इस पर शक था। तुम ये सब सीरियसली कर रहे हो जॉन? तो तुम्हें क्या लगता है ये सब मजाक है? कुछ समझ नहीं आ रहा।
चली गई होगी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं जा सकती, अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे, धक्का मारा। प्लीज मुझे जाने दो। जाने दो? क्यों जाने दो? मत मारो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मार रही थी ना, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा तुम हो? हाँ मैं ही। कहाँ से आ रही हो तुम? मेरी बात छोड़ो, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं चेन्नई गया था, वहीं से आ रहा हूँ। तुम बार बार चेन्नई क्यों जाते हो? मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में जाता हूँ। ओह, कैसा बिजनेस? मेरा कपड़े का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। ओह, ऐसा क्या? वैसे तुम कहाँ गई थी? मैं बुक लेने गई थी। इस तरह के गाँव में तुम्हें ऐसी बुक्स भी मिल जाती है, देखो तो किसकी है। चेतन भगत की बुक है। चेतन भगत, वन इंडियन गर्ल, तुमने पढ़ ली क्या? नहीं, कल ट्रैवल करते पढ़ूंगी। तो पहले मैं पढ़ लूं? अरे अभी तक मैंने नहीं पढ़ी है। कोई बात नहीं, इसको पहले मैं पढ़ लेता हूँ। वैसे तुम चेन्नई कब जा रही हो? कल जा रही हूँ। वैसे मैं भी कल चेन्नई जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो हम साथ में जा सकते। नहीं, मैंने ट्रेन की टिकट बुक कर ली है। अच्छा तुम कब जा रहे हो? कल जब तुम चाहो। मॉर्निंग 8 o'clock। ये हुई ना बात। आर यू श्योर? कल मॉर्निंग में तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। ओके ओके, तो बुक कल ले लेना। तुम दे दोगे ना? भरोसा तो है ना मुझ पर? हाँ है। कहो तो ड्रॉप कर दूं तुम्हें? नहीं, मेरा घर तो पास ही है। ओके बाय। इस पर भरोसा करना चाहिए।
मैं चेन्नई क्यों जा रही हूँ ये नहीं पूछोगे? नहीं, पर अगर तुम बताना चाहो तो बता सकती हो। हायर मेडिकल कोर्स के लिए अप्लाई किया है। मैं तो यही पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन होगा या नहीं ये पता नहीं। जो तुम्हें मिलना होगा वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा, टेंशन से कुछ नहीं होगा, टेंशन फ्री रहो। बात वो नहीं है, ये कोर्स बहुत मुश्किल है, मैं पढ़ पाऊंगी या नहीं पता नहीं। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? बताता हूँ। लॉट ऑफ प्रेशर, इसलिए मैं बहुत टायर्ड रहती हूँ। घर जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, ठीक रहेगा। नाइस स्विमिंग पूल। चलो अंदर चलते हैं। ओके। जॉन, आई वॉन्ट टू स्विम। ऊपर के रूम में स्विमिंग ड्रेस है, जाओ चेंज करके आ जाओ। तुमने क्यों अपने घर में स्विमिंग सूट रखा है? एक दिन जरूर तुम जान जाओगी। ओह। इसलिए पहले उसे लेकर आओ। फॉरवर्ड थिंकिंग। जाओ चेंज कर लो। ये क्या कर रहे हो तुम? सॉरी, मस्ती कर रहा था। कम ऑन। टाइम हो गया है, इसके बाद एक जरूरी काम है और फिर तुम्हें जल्दी पहुंचा दूंगा, ठीक है ना? वैसे भी तुम्हारा जाने का टाइम हो गया है। ओके ओके। अरे सॉरी बोला ना मैंने, अब क्या है? मुझे कॉफी मिलेगी? जाओ जाकर खुद बना लो। मैं बनाऊंगी तो अच्छी नहीं बनेगी।
तुम जैसे भी बनाओगी मैं पी लूंगा। श्योर? या श्योर, चलो। हेलो, इतनी जल्दी एक और सिगरेट? हाँ सॉरी, ये लो। बैठ जाओ। मुझे थोड़ी सी चाहिए। क्या हुआ जॉन, तुम परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं कुछ नहीं, कल मैंने एक सपना देखा था, उसमें तुम्हें कोई मार रहा था। कुछ भी जॉन, खुद को कंफ्यूज कर रहे हो तुम। इसलिए लेकिन मुझे कौन मारेगा जॉन? क्या हुआ जॉन, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो तुम? नहीं नहीं, मुझे लगा कोई आसपास है। इस जगह पर सिर्फ तुम और मैं हूँ, और कौन होगा? हा? ऐसा क्या है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, वैसे तुम यहाँ कैसे? तुम्हें देखने आई थी। क्यों नहीं आ सकती? जरूर आ सकती हूँ, ये फॉल्स, ये घर, ये सारी की सारी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो, जितना चाहो रुक सकती हो। तुम सच कह रहे हो? कोई शक है? ठीक है, मुझे जाना होगा, टाइम हो गया। चलो मैं जाती हूँ। बाय जॉन। बाय। जॉन, सॉरी सॉरी, फोन नंबर बदल गया ना, इसलिए पहचान नहीं पाया, गलत मत सोचना। कैसे हो तुम? या आई एम फाइन, जब भी कॉल करते हो स्विच ऑफ बताता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं दूसरे शहर में हूं ना, इसलिए सिग्नल नहीं पकड़ता, और कोई बात नहीं है, समझ गई ना? बताया क्यों नहीं? वो मुझे अर्जेंटली निकलना पड़ा ना, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया, सॉरी। कितने दिन हो गए बात किए हुए? सिग्नल ही नहीं पकड़ रहा है, तो मैं कैसे बात करूं तुमसे? चेन्नई कब आ रहे हो? हेलो हेलो। हाँ हेलो, सॉरी सॉरी। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक छोटा सा डिस्टर्बेंस। बोलो बोलो। आपसे मिलने की बात हुई थी, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। नहीं वो सब मुझे पता नहीं, आपसे मुझे मिलना है। हेलो 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 हेलो। नहीं डियर, फिलहाल तो मैं मिल नहीं पाऊंगा। क्यों? हाँ प्लीज जॉन। देखो मेरी बात सुनो, मैं फिलहाल तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, ओके? लेकिन जब भी मैं चेन्नई आऊंगा तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, और ये मैं तुमसे वादा करता हूं। लेकिन तब तक तुम मुझे कॉल नहीं करोगी, मैं नहीं चाहता तुम मुझे डिस्टर्ब करो। जब भी चेन्नई आऊंगा तुमसे मिलूंगा, ठीक है ना? हेलो हेलो Thank you.
माया तुम हो क्या? माया, मैं जानता हूं कि वो तुम ही हो माया। तुम मुझे परेशान कर रही, लेकिन मैं ऐसे डरता नहीं हूं। अब देखो मैं क्या करता हूं। देखो, रुक जा। मरने के बाद भी नहीं सुधरी, हाँ? तेरे साथ क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूं। तेरी इतनी हिम्मत, हाँ? अब देख क्या करता हूं मैं। तुझे क्या लगा मैं इन सब से डर जाऊंगा? मैं नहीं डरता। क्या हुआ जॉन? मैं कॉफी देकर तुम्हें जगाना चाहती थी, लेकिन तुम तो रात भर सोए हाँ? ही नहीं। कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, मुझे ड्यूटी पे जाना है, घर जाकर फ्रेश होना है। तुम कॉफी पी लो, फिर मैं निकल जाऊंगी। अगर ये बात है तो ये घर किसका है? ये तुम्हारा ही तो घर है, यहाँ भी फ्रेश हो सकती हो। उसके लिए बहुत टाइम है, और वो टाइम जल्दी आएगा। मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ। जाना जरूरी है क्या? रिलैक्स, ठीक है, जाओ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। नाराज हो? मैं नाराज तो नहीं हूं, पर जब भी तुम मेरे साथ रहती हो तो अच्छा लगता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, सिर्फ इतनी बात है ना। क्या हुआ जॉन? मेरे जाने का टाइम हो गया, मैं निकलती हूँ। ओह अच्छा, ठीक है, जाकर कब आओगी? शाम को आऊंगी। ठीक है, संभल कर जाना। नमस्ते साहब। फॉरेंसिक के लिए बोल दिया क्या? हाँ बोल दिया सर। बॉडी किधर? अंदर है सर। मैं जॉन कालिदास, लोग मुझे जॉन कहते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर। चलो सब लोग बाहर जाओ, बाहर जाओ। मैंने जो भी केस इन्वेस्टिगेट किया है, मैं कभी हारा नहीं, लेकिन मैं भी एक केस में हिल गया और पटरी से उतर गया। नमस्ते सर। इस बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? वॉचमैन ने सबसे पहले देखा था सर। घर दो दिन से बंद था।
और ये है माया, शहर में सबसे बड़े बिजनेसमैन अरविंद डिसूजा की वाइफ। तो मुड़ गए। अरविंद तो फैक्ट्री में है, आपको पता नहीं है क्या? पता है, इसीलिए इधर आया हूँ। हेलो हेलो, हे हे हे, क्या क्या कर रहे हैं आप? टेल मी, हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं और आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या चाहिए आपको? मुझे जो चाहिए मांगूंगा तो दोगी क्या? फैक्ट्री में भी नहीं है, घर पर भी नहीं है, कहाँ रखा होगा उसने? यह है गुरु नारायण, अरविंद डिसूजा का बिजनेस पार्टनर। मेरे हिट लिस्ट में ये एक इम्पोर्टेंट आदमी है। कम ऑन अरविंद, पिक अप द कॉल। ओह माय गॉड। अगर आपको कुछ चाहिए तो अरविंद से बात कीजिए प्लीज। मेरी एक खास चीज तेरे पति के पास है, अगर वो नहीं देगा तो उसकी जो खास चीज है वो मैं ले लूंगा। यार तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? बताया ना कि एक जरूरी मीटिंग में बिजी था यार। खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचो, जब वो मेरे नजदीक आया तो मुझे कैसा फील हुआ पता है? अरे सुबह उसके साथ मेरा छोटा सा झगड़ा हो गया था, इसीलिए वो तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव किया होगा। ठीक है, कल सुबह उसे बुला के खबर लेता हूँ, देखना तुम। इस तरह के आदमी के साथ तुम दुश्मनी मत लो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सोचा है कि मेरा क्या होगा? आई कांट लिव विदाउट यू। कम ऑन माया, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। You don't worry about that. क्या देख रही हो? Give me. Oh shit.
रिलैक्स रिलैक्स। देखो उसने क्या किया। कूल कूल बेबी। और एक दिन अरविंद डिसूजा का रहस्यमय तरीके से कत्ल हो गया। उस केस को मैंने ही हैंडल किया था। केस के सिलसिले में दिसंबर 13 को मैं माया से पहली बार मिला था। वो दिसंबर 13 मेरी जिंदगी में इतनी खास हो जाएगी, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। हाय माया। इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? उसी बारे में मैं तुमसे बात करने आया था। ओह। इस चाबी को तुमने पहले कभी देखा है क्या? ये चाबी तुम्हारे हस्बैंड को जहां मारा गया था वहां मिली। मे बी इस की वजह से तुम्हारे हस्बैंड को किसी ने मारा है, क्या तुम जानती हो उसके बारे में? ओह, दिखा मुझे। ये तुम्हारे हस्बैंड की ही है ना? ये उनकी नहीं है। फिलहाल मुझे यही एक सबूत मिला है, इसके जरिए मैं खूनी के करीब पहुंच सकता हूँ। शायद इसी के जरिए मैं उसे पकड़ लूँ। हो सकता है वो जल्द मिल जाएगा। ओके बाय बाय। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं इस केस में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होने लगा था। हेलो जॉन, कह रहा उठ जाइए। हाय माया। सॉरी, मैं पेट्रोलिंग के लिए आया था तो मैं कुछ ज्यादा ही थक गया था, तो गाड़ी यहाँ लगाई और यहीं सो गया। मैं अकेली थी इसलिए आप मेरी हिफाजत करने चले आए ना? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतनी दूर आए हैं तो कॉफी पिए बिना आपको कैसे जाने दूंगी? नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ। मुझे देर हो रही है। प्लीज आइए ना सर। ओके। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए आपको। ऐसा क्यों? आपको मेरी इतनी चिंता जो है। इसमें थैंक्स क्या बोलना? और डोंट कॉल मी सर, कॉल मी जॉन। आई विल। और ये इतने बड़े घर में तुम अकेली रहती हो क्या? अरविंद के जाने के बाद बहुत इनसिक्योर फील करती हूँ, तो अकेले रहना ही पसंद करती हूँ मैं। ओके आई लीव। हाँ बाय बाय। बाय जॉन। बाय माया। Thank you.
आराम से। मेरे पास ही रह जाओ ना जॉन। उसके पति के जाने के बाद माया मानसिक तौर पर टूट चुकी थी और मैं उसकी हिम्मत बढ़ा रहा था। मेरा कोई और इरादा नहीं था। माया आराम से चलो सो जाओ। कम जॉन रिलैक्स माया अब सो जाओ। तुम सो जाओ जॉन okay? कहीं मत जाना प्लीज। आराम से सो जाओ ओके। जॉन जॉन हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी कल मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं क्या कह रही थी मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था जॉन। एक्चुअली अरविंद के जाने के बाद हे कम ऑन माया जो होना था वो तो हो गया और वैसे भी मौत तो डेस्टिनेशन होती है। जिसकी जिसकी जर्नी पूरी हो जाती है वो चले जाते हैं लेकिन तुम्हें अभी बहुत दूर तक जाना है माया। पर अकेले कैसे? इस दुनिया में हर चीज के लिए रिप्लेसमेंट है लाइफ पार्टनर के लिए भी। प्रैक्टिकल बन जाओ माया। धीरे धीरे हम एक दूसरे के बहुत करीब आने लगे। हम दोनों बाहर घूमने जाने लगे। उसकी मासूमियत और खूबसूरत दिल मुझे बहुत पसंद आने लगे और इसकी वजह से हमें एक दूसरे से प्यार हो गया बहुत गहरा प्यार। जॉन कहाँ जा रहे हैं हम? जॉन सामने से गाड़ी आ रही है समय कर। बोलो जॉन पुलिस का काम बहुत रिस्की होता है ना। एक तरफ मैं माया के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने लगा था और एक तरफ मेरा इन्वेस्टिगेशन सही चल रहा था। माया तुम ठीक तो हो? बहुत दर्द हो रहा है जॉन। डरो मत कुछ नहीं होगा रुको मैं आता हूं। जॉन मत जाओ।
क्या हुआ माया? बहुत दर्द हो रहा है। उठ जाओ, चलो उठ जाओ, मेरे साथ ही रहो जॉन। ठीक है माया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आराम से संभल कर यहां बैठ जाओ। रिलैक्स माया। माया, कौन था वो? तुम उसे जानती हो? क्यों आया था वो? मुझे नहीं पता वो कौन था। तुमने पहले कभी उसे देखा है क्या? नहीं, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। मुझे छोड़कर मत जाना जॉन। हिम्मत रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरविंद की दुश्मनी की वजह से माया को खतरा है, ये सोचकर माया बहुत डरने लगी थी। इसलिए मेरे प्यार के साथ ही उसे सुरक्षा की भी जरूरत थी। कौन मैं? अच्छा, और तुम कैसी हो? बट मुझे बहुत पसंद हो। तुमने मेरा दिल जीत लिया, चोर कहीं के। सिर्फ तुम और मैं इस जगह से बहुत दूर एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिता दें, यही ख्वाहिश है। चलो चलते हैं, कहीं दूर चलते हैं जहां हमें कोई भी ना ढूंढ सके। क्या हुआ? मुझे छोड़कर मत जाओ जॉन। बहुत टाइम हो गया है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। माया की वजह से मैंने उस केस में कुछ ज्यादा ही गंभीरता से काम किया। तुम इस केस को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे जॉन। ऐसा उसने सोचा, उसके लिए सब कुछ सही से किया। नहाने का वीडियो खुद बनाकर उसने अपने मोबाइल से खुद सेंड किया, लेकिन उसने अपने पति को ये भरोसा दिलाया कि वो वीडियो गुरु नारायण ने भेजा है, और उसने विश्वास भी कर लिया। मेरे इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब करने के लिए जो इंसान नहीं है वो है, और मुझे मारने आ रहा है ये कहकर उसने मुझे भी साथ रख लिया। ऐसा बार बार प्लान करके मुझे डाइवर्ट करती रही। मैं उसको पकड़ नहीं जा रहा था कि उसने मुझे रोक लिया और मुझे अपनी ओर खींच लिया। उसके बाद माया पर मुझे शक होने लगा। सब कुछ सही से करने वाली माया ये भूल गई कि उसके हस्बैंड के रूम में एक सीक्रेट कैमरा लगा हुआ है। उसकी बुरी आदतों के बारे में उसके पति को सब कुछ पता चल गया था, इसलिए उसने जायदाद और रिच लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए अपने पति का खून कर दिया, और उसके बाद मासूम बनने की एक्टिंग की। मेरे सच्चे प्यार का उसने नाजायज फायदा उठाया। इस धोखे ने मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा कर दिया। इसका प्रभाव माया की मौत हुई। इसकी वजह से मेरी नौकरी, मेरी जिंदगी, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद माया जैसी लड़कियों का मैंने शिकार करना शुरू किया। आ, 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 आ,
जॉन, जॉन, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ, बोलो ना। कहाँ देखो? वहाँ कुछ भी नहीं है। वो देखो ना, वो वहाँ बैठी है। वहाँ कुछ नहीं है जॉन। वो वहाँ है, वो देखो वहाँ बैठी है। वो मुझे मारना चाहती है। पहले शांत हो जाओ जॉन। नहीं नहीं, वो मुझे मारना चाहती है। रिलैक्स हो जाओ, मैं कह रही हूँ ना, वहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं है वहाँ। रिलैक्स हो जाओ। मुझे मार देगी, वो मुझे मारना चाहती है। नहीं नहीं, वो मुझे मार देगी। ये देखो उसने क्या किया। जॉन, इट्स ओके, रिलैक्स हो जाओ। देखो, शांत हो जाओ, सब ठीक है। मैं तुम्हें शुरू से देख रही हूँ, तुम हमेशा डिस्टर्ब रहते हो। ओके, काम डाउन, चलो आराम से आ जाओ। ओके ओके। क्या हुआ जॉन? पहले रिलैक्स हो जाओ, अपने दिमाग से सारी बातें निकाल दो। फर्स्ट एड करूं? हाँ ठीक है, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। हाँ रहूंगी। अच्छा तुम सो जाओ, मुझे जाना होगा। हा? साथ रहोगे कहा और अब जाने की बात कर रही हो? मेरे साथ रहो ना। मैं रोज शाम को तुम्हें मिलने आऊंगी। नहीं, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। हाय जॉन। हाय रिया। क्या बात है, बाहर जाने की बात कर रहे थे, गए नहीं? ये क्या पूछ रही हो तुम? अगर तुम बाहर जाते तो मैं भी साथ आती। नहीं, मैं नहीं जा पाया, वो गाड़ी खराब हो गई थी। ओके, क्या बात है, शाम हो गई, लाइट्स नहीं ऑन किए? नहीं, वो फ्यूज उड़ गया है। फ्यूज उड़ गया? ये कैसे, क्या हुआ है, तुम जाकर देखते क्यों नहीं? फ्यूज उड़ गया है ऐसा मुझे लगता है, फिर भी मैं जाकर देखता हूँ। यहीं पास ही में ट्रांसफॉर्मर है तो मैं वहाँ जाकर देख कर आता हूँ। तुम संभल कर रहना, मैं अभी आता हूँ। ओके। पासवर्ड क्या होगा? शायद गाड़ी का नंबर होगा। रिया, ये पासवर्ड। पासवर्ड कैसे मिल गया होगा? रिया, ए रिया, ए रिया, मेरा फोन कहाँ गया? Yeah!
क्या हुआ बेटी, इस तरह से क्यों भाग रही हो? अरे हुआ क्या बताओ तो। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। अब ये देखिए सर, वो मुझे मारने आ रहा है, वो मुझे मार देगा। ठीक है, तुम रो मत, मैं देखता हूँ। छोड़ो मुझे, जॉन छोड़ो इसको, जॉन ये मर जाएगी। जॉन ये गलत है, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे इसे क्या हुआ अचानक? नहीं सर, नहीं, क्या पागलों की तरह हरकत कर रहा हो? जॉन, ये क्या हो रहा है तुम्हें? जॉन, कंट्रोल योरसेल्फ। अरे क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये ऐसा क्यों कर रहा है बेटी? बताओ मुझे। जिस चीज का अस्तित्व नहीं उसकी कल्पना करके जिस लड़की का इसने कत्ल किया है वो लड़की भूत बनकर इससे बदला लेना चाहती है, ये सोचकर जो नहीं उससे झगड़ा कर रहा है। प्लीज सर, उसको बचा लीजिए, कुछ अनर्थ हो जाएगा सर। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं जॉन। जॉन, ये तुम क्या कर रहे हो जॉन? जॉन, ये तुमने क्या कर दिया? जॉन, ये सब तुमने क्या किया जॉन? रो मत बेटी, हिम्मत से काम लो, चलो मेरे साथ चलो। हाँ देखो, जो होना था वो तो हो गया, तुम अपने आप को संभालो बेटी, चलो 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 मेरे साथ चलो। सर मैं ऐसा ही विशाल मनी बोल रहा हूँ, जॉन नाम के एक आदमी ने रहस्यमय तरीके से आत्महत्या कर ली। जॉन, मुझे किस बात की सजा मिली है? मैंने सच्चा प्यार किया इस बात की।